दोस्तों कैसे हो आप सभी। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा टाइम पे एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट नंबर पर पैसे कैसे भेजते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आपको टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड गाइस बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी करके बोला था कि भाई तुमने जो टाइम पे एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ तो बता दिया, जैसे कि UPI ID कैसे पता करते हैं, टाइम पे एप्लीकेशन से QR कोड कैसे देखते हैं, ये सब तो बता दिया है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि टाइम पे एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट नंबर पर पैसे कैसे भेजते हैं। तो उन सब का कमेंट देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड आप लोग कमेंट करते जाइए, जो भी आपसे नहीं बनता वो कमेंट करो, मैं वीडियो बिल्कुल ही बनाऊँगा आप सभी के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपको टाइम पे एप्लीकेशन से किस तरह से बैंक अकाउंट नंबर पर पैसे भेजना है। तो टाइम पे एप्लीकेशन को जैसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा और इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड मनी का, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेंड मनी वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर आप देखोगे आपके सामने दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है सेंड मनी टू एनी UPI ID, एंड दूसरा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है सेंड मनी टू बैंक अकाउंट। तो आपको सेंड मनी टू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेंड मनी टू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब नीचे की तरफ आप देखो आपके सामने एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ऐड बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट, तो आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपको बहुत ज़्यादा बैंक वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हो सबसे पहले तो उससे ये पूछ लो कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है। तो जिसको मैं पैसा भेजना चाह रहा हूँ उसका जो बैंक अकाउंट है ना वो एयरटेल पेमेंट बैंक में है। तो मैं डायरेक्ट एयरटेल पेमेंट बैंक को सर्च करूँगा और एयरटेल पेमेंट बैंक पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो आप जिसको भी पैसा भेजना चाह रहा हूँ उसका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक को सर्च करके क्लिक कर दो। अब जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको इधर पर शो किया जा रहा है, जैसे कि मैं जिसको पैसा भेज रहा हूँ उसका बैंक अकाउंट इधर पर शो किया जा रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद इधर पर आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसका अकाउंट नंबर डालना है जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हो। तो उसकी पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा रहता है तो उसका जो पासबुक का अकाउंट नंबर है वो आपको इधर पर डालना है और नीचे की तरफ फिर से वही अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं इधर पर आपके सामने ही अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अब ये मैंने डाल दिया भाई अकाउंट नंबर आप सभी के सामने, ठीक है। अब इधर पर मांग रहा है IPC कोड, तो बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं IPC कोड में। तो IPC कोड आप गूगल से भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपको चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक का तो एयरटेल पेमेंट बैंक IPC कोड सर्च कर देना, गूगल पे मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई आपकी जो पासबुक रहती है तो उस पर भी मिल जाता है, ठीक है। तो और इधर पर जो UPI एप्लीकेशन रहते हैं उनमें भी मिल जाता है, तो आप उधर से फाइंड कर सकते हो। हाँ, बात करते हैं IPC कोड आपको इधर पर डाल देना। तो मैंने इधर पर मंगवा रखा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप खोल के ये IPC कोड को कर लेता हूँ भाई कॉपी, ठीक है। तो मैंने जो है IPC कोड मंगवा रखा है, तो ये भाई मैंने IPC कोड को कॉपी कर लिया। IPC कोड डालने के बाद आपको इधर पर एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई का, क्लिक कर दो। और जैसे वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे आपके सामने होने वाली लोडिंग्स। अब आपको लोडिंग्स होते समय तक वेट करना है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे ना तो भाई अगली वीडियो बनाने के लिए अलग ही मोटिवेट रहेगा कि सब्सक्राइबर आ रहे तो और वीडियो बनाना चाहिए, तो एक सब्सक्राइब तो कर देना। अब इधर पर हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। अब मैं इधर पर वीडियो को पोस्ट करता हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट कर लेता हूँ। बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा। सबसे पहले इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है वो अकाउंट नंबर भाई उसमें किसका नाम लिखा हुआ, उस अकाउंट नंबर में मतलब किसके नाम का बैंक अकाउंट है, तो वो इधर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस चीज़ से भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और भाई जैसे क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर उनका नाम लिख किया जाएगा और लास्ट के चार अंक आपको देखने के लिए मिलेंगे अकाउंट नंबर के। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको इधर पर कर देना क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद आपको जितना भी पैसा भेजना हो उतना आप अमाउंट लिख दो। अब भाई मुझे भेजना है इधर पर कितना रुपए, 20 रुपये मैं अमाउंट लिख देता हूँ। उसके बाद आपको प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, अलाउ कर देना परमिशन को, जो भी परमिशन अलाउ करता है, और UPI पिन आपका मांगा जाएगा तो भाई आपको ना अपना UPI पिन दे देना है, ठीक है। तो मैं इधर पर आपके सामने ही अपना UPI पिन डाल दूंगा और इधर पर आप देख सकते हो मैंने UPI पिन डाल दिया है।
उसके बाद सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो। जैसे सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो पेमेंट है भाई वो सक्सेसफुल हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप है जो अकाउंट नंबर पर पैसे भेज सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।